कुड़की और देहात क्षेत्र का एकमात्र सिविल अस्पताल के हालात अब जल्दी सुधरने वाले हैं। कुड़की के सिविल अस्पताल में सुविधाओं के अभाव के चलते मरीजों को सही उपचार नहीं मिल पा रहा था, जिस कारण मरीजों को निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता था। लेकिन अब नव नियुक्त CMS डॉक्टर डी के चक्रपाणी ने अस्पताल में जल्द बदलाव के संकेत दे दिए हैं। CMS डॉक्टर डी के चक्रपाणी ने बताया कि सिविल अस्पताल अब रेफर सेंटर बनकर नहीं रहेगा। अब मरीजों को सभी सुविधा सिविल अस्पताल में उपलब्ध होगी। आंखों के ऑपरेशन के साथ साथ अन्य सुविधाओं के लिए मरीजों को हरिद्वार या फिर प्राइवेट अस्पतालों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तराखंड के रुड़की से अली जैदी की रिपोर्ट। आपको पूर्ण रूप से इस अस्पताल में बदलाव देखने को मिलेंगे। 3 दिन पहले ही ज्वाइन किया है और आपको अगले 15 दिनों में यह अस्पताल ना तो रेफरल सेंटर रहेगा ना यहाँ सभी तरह की सुविधाएं आपको मिलेंगी। जो सुविधाएं आपने सोची नहीं है, हमने अभी विधायक जी से बात की है तो विधायक निधि से उन्होंने हमें एक कार्ल ज़ाइस का माइक्रोस्कोप ऑप्थेल्मिक वो भी देना के लिए वादा कर दिया है और बहुत जल्दी आपको ऑप्थेल्मिक की सुविधाएं भी यहाँ पे मिलें, सभी सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको। अब नया टेंडर नहीं हो जाता है तब तक जो है किसी भी तरह का कोई कमेंट करना बेईमानी होगी। दिन में 3 बार जो है इंस्पेक्शन होगा, जहां भी सेवाओं में कमी होगी उसके अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।